तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A9 प्रो को एक FOTA अपडेट मिला है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि उसे कितने साइज का अपडेट मिला है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उसके सिक्योरिटी पैच के बारे में। जो उसका पहले सिक्योरिटी पैच था वो था 1 अगस्त का। तो हालांकि सिक्योरिटी पैच में यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। हालांकि जो अपडेट का साइज़ है वो 315.MB का समथिंग है। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस 8.1 का UI था, काफ़ी सारे यूज़र्स कमेंट कर रहे थे कि जो UI है वो थोड़ा लैगी है, उसमें थोड़ा आपको लैग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे यूज़र्स ये भी कह रहे हैं कि इस जो ये अपडेट है उनके बाद जो जिन जिन डिवाइस इसमें ये अपडेट जिन्होंने कर लिया है तो उन्हें अभी परफॉर्मेंस थोड़ी इम्प्रूव्ड दिख रही है और बैटरी परफॉर्मेंस भी अभी इस बार काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके A9 Pro में भी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है तो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी सैमसंग डिवाइस में कोई भी OTA अपडेट आता है तो आप हमारे साथ ज़रूर से शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम ID की, तो आप ज़रूर से उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर से हमें भेज सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया है तो उस नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।